इसकी तरफ लेके जाएंगे और ठीक है। तो मैं आपको दो तीन सम समझाता हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। नाम में आंसर छुपा हुआ है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो करना क्या होगा, वेरिएबल को अलग अलग करके इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालना होगा। लेट अस स्टार्ट दिस। हम आ जाओ टेक्स्ट बुक पे फटाफट। एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 स्पेसिफिकली बोलते हैं इसको हम लोग, टॉपिक बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड सबसे इजी मेथड है, अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे इजी मेथड है, दो तीन सम समझ के लोग पहले ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करेंगे। पेपर में आपको ऐसे ही आएगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर में आपको ऐसा नहीं बोलेंगे सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो वेरिएबल सेपरेबल से होगा कि होमोजीनियस से होगा कि लीनियर डिफरेंशियल से होगा, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो ठीक है। तो हमको बात करना है यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल होता है, लेट्स स्टार्ट दिस। हम वेरी फर्स्ट सम क्या क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है, dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस y द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अगर y का टर्म y dy के साथ जा रहा है और अगर x का टर्म dx के साथ जा रहा है, अगर मैं y को y की तरफ dy की तरफ भेज पा रहा हूँ और x को dx की तरफ भेज पा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देख लो आप यहाँ पे हमेशा याद रखना कि dy और dx न्यूमरेटर में होना चाहिए, 1 अपॉन dy और 1 अपॉन dx नहीं होना चाहिए, समझा। और यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल करते हैं क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx ठीक है। ये dx यहाँ पे गया, ये 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर यहाँ पे आ गया ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर यहाँ पे आया और dx वहां पे गया ठीक है। dx और dy हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा मुझे, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy, y y नोट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx x बस हो गया आंसर। यहां पे ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों ठीक है। सो 1 अपॉन y स्क्वायर dy गाइस, जैसे वेरिएबल सेपरेट होता है y का टर्म dy की तरफ आ चुका है, x का टर्म dx की तरफ आ चुका है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होता है हमारा अगला स्टेप होगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों बाजू इंटीग्रेट करेंगे इसको। जैसे इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब dx और dy को हटाना, dx और dy को हटाना। तो dx और dy तभी हटेगा जब उसको इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशियल को हम लोग तभी हटा सकते हैं जब वो इंटीग्रेट होगा ठीक है। तो देखो अब इसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ
हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ y, और यहां को जाएगा tan इनवर्स x प्लस g। सिंपल सा आंसर, दिस इज द आंसर, बस और कुछ नहीं है, समझा थोड़ा बहुत? यस ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, log of dy by dx, log of dy by dx is equal to 2x plus 3y। अब dy by dx को अलग करने के लिए log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो log वहां जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx is equal to e raised to 2x plus 3y। Now, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं इंडाइसेस की मदद से, ठीक है? So, इंडाइसेस क्या बोलता है कि a raise to m plus n is a raise to m into a raise to n। तो जाएगा e raise to 2x into e raise to 3y। फिर से यही y का टर्म y के पास, x का टर्म x के पास, तो 1 upon e raise to 3y, यहाँ पर हो जाएगा dy और ये हो जाएगा e raise to 2x dx, ठीक है? इंटीग्रेट कर ले इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड जैसे इसको इंटीग्रेट किया, क्या मैं 1 upon e raise to 3y को e raise to minus 3y भी लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ e raise to 2x dx, समझा? Now e raise to minus 3y का derivative क्या होगा? Integration क्या होगा sorry? e raise to minus 3y by minus 3. Minus 3, perfect. और इसका e raise to 2x upon 2 plus c. Simplify करना चाहते हो तो करो, नहीं छोड़ सकते हो, ठीक? यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर simplify करना तो simplify कर सकते हो। क्या होगा? Cross multiply हो जाएगा 2 times of e raise to minus 3y is equal to, ये इधर आएगा, ठीक है? तो कितना आएगा ये, माइनस 3 टाइम्स ऑफ e raise to 2x, समझा? और ये माइनस 3 c से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसको c1 बोल देंगे हम लोग। कितना आ जाएगा ये, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 6 c1, कितना आएगा, माइनस 6 c1, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस एलसीएम लगाएंगे, और माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 6 c1। अभी क्या करना है, एग्जाम आप ध्यान देना, यहाँ लिखे हम लोग 2 टाइम्स ऑफ e raise to minus 3y, ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे आ गया, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ e raise to 2x इज इक्वल टू माइनस 6 c1 को c लिख देंगे, ब्रैकेट में बता देंगे, वेयर c इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस 6 c1, देख लो, समझो? Yes. Clear है दोनों को? अच्छे समझ में आया? Everyone understood? Yes. एकदम सिंपल से, समय बेसिक इंटीग्रेशन आता है, सम पक्का आएगा, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हटाना इसको। बेसिक इंटीग्रेशन है, वेरिएबल सेपरेट करके क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, dy और dx वाले टर्म हटाने हैं हम लोगों को, बस dy और dx का टर्म हटाना है। देख क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन का दिया y माइनस x dy बाय dx is equal to 0, ठीक है? y minus x dy by dx equal to 0, पहले इसको अलग अलग कर लो, x वाले टर्म को जो लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, y is equal to x dy by dx, x dy by dx ऐसे आएगा, ठीक है? so, dx ऊपर जाना चाहिए, dx ऊपर जाएगा, इधर बचेगा 1 upon x dx, और ये y वहां जाएगा, तो 1 upon y dy,
हो गया वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल आ गया। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल होता है क्या करते हैं अगला स्टेप हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद क्या करते हैं हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई डी वाई। वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है, कोरोलरी है ये। इसका क्या आएगा आंसर? लॉग एक्स। लॉग एक्स इसका आएगा लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। दोनों लॉग में तो कॉन्स्टेंट को भी लॉग में लिया करो, लॉग सी। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी। ठीक है, क्या आएगा आंसर यहाँ पे? आंसर आएगा लॉग ऑफ एक्स, इधर पे लॉग ए प्लस लॉग बी का कॉन्सेप्ट लगेगा। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है? लॉग ऑफ ए बी। हो जाएगा लॉग ऑफ सी वाई बोलो या वाई सी बोलो, एक ही बात है, लॉग ऑफ सी वाई। ठीक है, क्या बोल रहे हो? कॉन्स्टेंट को लॉग क्यों लेना? क्योंकि इक्वेशन में लॉग नहीं आना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। हमको इक्वेशन का चाहिए एक्स और वाई का फंक्शन चाहिए। कभी भी दो टर्म्स लॉग में आ रहा है तो तीसरा टर्म भी लॉग में ले लिया करो। कॉन्स्टेंट को हम लोग लॉग सी बोल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। यस सर, लॉग सी भी कॉन्स्टेंट है, हेल्प कर जाएगा, लॉग लॉग हट जाएगा। तो एक्स इक्वल टू सी वाई इज द आंसर जो होगा। अंडरस्टूड? तो याद रखो दो टर्म्स, अगर दो टर्म्स मेरा लॉग में है तो थर्ड टर्म को भी मैं लॉग में ले सकता हूँ। अल्टीमेटली मेरे को इक्वेशन चाहिए और इक्वेशन में कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि नॉर्मल इक्वेशन में लॉग नहीं आता है। ठीक है, अंडरस्टूड ना? समझ में आए पक्का? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम नंबर फोर्थ पे आते हैं, ध्यान देना। सम नंबर फोर्थ का इम्पोर्टेंट सम लग रहा है, ध्यान देंगे। सम नंबर फोर्थ क्या दिया क्वेश्चन? sec square x into tan y dy into tan y dx, sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x dy is equal to zero. sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x dy is equal to zero. Guys, variable separable. तो वेरिएबल सेपरेबल क्या हो जाएगा? ये जो जाएगा आपका sec square x tan x इधर नीचे आ जाएगा इनटू tan x dx। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है sec square y इधर नीचे tan y आ जाएगा, tan y dy this is equal to zero। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हुआ क्या करते हैं हम लोग? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। भाई कर रहा हूँ मैं, आप लोग समझ जाओ। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, दिख रहा होगा अच्छे से? नीचे फंक्शन और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x। tan y का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square y। ठीक है गाइस, आंसर log of tan x। एग्री? तो पहला हो जाएगा log of tan x, हां तो हो जाएगा दूसरा log of tan y, और यहां पे आ जाएगा log of c। और ज्यादा मैंने दो अगर आप पर log में है तो तीसरा भी log में ले लो। ठीक है, सो tan x plus log a plus log b is log of ab। लॉग ऑफ ए बी कितना आएगा? लॉग ऑफ टैन एक्स इंटू टैन वाई, और ये कितना आएगा? लॉग ऑफ सी। तो लॉग लॉग का कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आया मेरे पास? टैन एक्स डॉट टैन वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर है। देखो समझ में आया? देखिए चारों सम समझा गया, सिंपल सा आंसर था ये। अंडरस्टूड? चारों सम समझ में आया? tan x dot tan y is equal to c। clear है class? simple था। नीचे function ऊपर derivative, tan x का derivative क्या है? x square x। तो corollary पढ़ा था हमने, नीचे function ऊपर derivative, answer क्या रहेगा इसका? log of tan x, ये log of tan y। दोनों log में तो constant को भी log में लेंगे, log of c। तो यहाँ पे लगा log a plus log b, log a plus log b का formula क्या है? log of ab। so log of ab is equal to log of c। log log get cancel, answer कितना आएगा? tan x dot tan y is equal to c। क्लियर है? गिव मी द कंफर्मेशन। समझे सबको? यस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थर्ड और फोर्थ का बेसिक है। जिनको इंटीग्रेशन अच्छे से आता रहेगा, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया वो लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नंबर फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, cos x
इंटू कॉस वाई डी वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल करें। ठीक है, तो डी वाई तो डी इसके साथ ही रहेगा, क्यों जाएगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई। ठीक है, इधर आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है इतना? जैसे इसको इंटीग्रेट किया हमने, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो जैसे इसको हमने इंटीग्रेट किया, आपको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, इसका आंसर आ जाएगा कॉट वाई, हो जाएगा कॉट वाई माइनस ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस कितना होता है टैन एक्स, ये हो जाएगा टैन एक्स डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रेशन हो गया तो ये कितना आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? हम लोगों ने पढ़ा था कॉट वाई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, log of sin y, log of mod of sin x, sin y, log of mod of sin x, dy क्यों आएगा, इंटीग्रेशन में dy आ जाएगा ना, तो sin y आएगा, sin y आएगा, log of mod of sin y। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अच्छे से देखो, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव के लिए माइनस चाहिए था ना, इसका आंसर ऐसा कर देंगे हम लोग। देखो माइनस पहले से था, एक और माइनस एडजस्ट कर लेते हैं, तो माइनस log of mod of cos x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का दूसरा नाम है log of sec x, याद होगा आपको अच्छे से ना, log of sec x को हम लोग माइनस log of cos x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों log log में हम लोग इसको भी log में डालेंगे, ये हो जाएगा log of c, और कितना आएगा log of c, बता दो ब्रैकेट में where log c is actually equal to what, c1। ठीक है, तो गाइस ये हो जाएगा log of sin y, ये हो जाएगा प्लस log of cos x, ये मिलेगा log of sin y। सर वो इंटीग्रेटिंग के बाद में वो c1 कैसे आएगा था ना, फिर से 0 को हमेशा इंटीग्रेट करके c1 ही आएगा, 0 का भी इंटीग्रेट नहीं होता ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो वहां पे जब RHS में 0 होता है तो वहां पे कांस्टेंट पुट करते हैं। ठीक है, हमने इंटीग्रेट किया ना सब बाजू, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 ही होता है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट रखेंगे वहां पे, याद रखना। ठीक है, यस सर, sin y into cos x is equal to c, sin y into cos x is equal to c, बोलो समझो, याद रखना हमेशा कि जीरो को जब इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो ना, तो याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ क्लास, समझा सम एवरीवन? यस यस, अगर ये लाइन नहीं भी लिखा होता, डायरेक्टली किया होता तो भी चलता था। ठीक है, साइन नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ साइन वाई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ एडजस्ट करते थे तो क्या आता था, लॉग ऑफ माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस ऊपर जाता था तो अपने आप लॉग ऑफ कॉस एक्स बन जाता था। ठीक है, चलते नेक्स्ट समझे, आई होप ये समझ में आया, इजी समझा, साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से, आगे के समझ में आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सम, कौन सा समझा, ये सम नंबर फिफ्थ, लेट अस स्टार्ट द सिक्स्थ सम, सिक्स्थ सम देखते हैं क्या है। सिक्स्थ सम सबसे इजी सम है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के, सबसे इजी सम यही है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के। क्या इस के कॉन्स्टेंट है, ना तो एक्स को बिलोंग करता है ना तो वाई को बिलोंग करता है। ठीक है, ना तो एक्स को बिलोंग करता है ना तो वाई को, आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा डी वाई इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँ, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, आप लोग लिख लो, लिख के करोगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, मैंने जस्ट पूछा था आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई कितना होता है, वाई माइनस के, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, एक्स प्लस सी, उसको स्टैंडर्डाइज करना है तो स्टैंडर्डाइज करो, छोड़ लो आप,
चलेगा, y इक्वल टू माइनस ax प्लस c, y इक्वल टू माइनस ax प्लस c, एक द स्क्रीनशॉट सिंपल से फॉर्म y इक्वल टू माइनस ax प्लस c का स्टेटमेंट बढ़ा सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बहुत दस है एक दस तक बढ़ जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू माइनस ax प्लस c। चलिए इसमें कुछ तो नेक्स्ट हम सम नंबर 7 क्या दे क्वेश्चन में, cos स्क्वायर y अपॉन एक्स डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये मेरा क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। चलो वेरिएबल सिंपल करो, वाई इधर आ गया तो वाई इधर आएगा तो क्या आएगा, वाई इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, x इधर जाएगा तो क्या आएगा x इंटू कॉस स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा ही है। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट हो गया अब सॉल्व करना पड़ेगा सर, लियाट लगेगा, लियाट इंटीग्रेशन लगता है ना, इंटीग्रेशन में कभी भी स्क्वायर फंक्शन नहीं रखते हम लोग, उसको हम लोग हमेशा लीनियर फंक्शन ही रखते हैं। तो गाइस हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा आपको याद होगा, कॉस टू थीटा का तीन तीन फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का तीन तीन फॉर्मूला ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, cos square theta minus sin square theta। तो इसमें हम लोग cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है 2 cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1, ठीक है, तो cos square theta कितना आ जाएगा, therefore you can say that cos square theta is equal to minus 1 हो जाएगा plus 1, 1 plus cos 2 theta upon 2, पूरा समझा फॉर्मूला ये, तो cos square y को मैं cos square y को 1 plus cos 2y upon 2 लिख सकता हूं, और cos square x को मैं 1 plus cos 2x upon 2 लिख सकता हूं। बोलो ये समझ में आया, लीनियर फंक्शन रखेंगे इसको तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर फंक्शन रखा तो बहुत टफ हो जाएगा ये, ठीक है, तो हम लोग इसको लीनियर फंक्शन रखते हैं, डिग्री 1 में रखते हैं, तो वी नो द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये y विल बी एज इट इज, cos square y को लिखेंगे हम लोग 1 minus cos 2y अपॉन टू डी वाई, ठीक है, वन माइनस कॉस टू वाई अपॉन टू डी वाई, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स को, एक्स विल बी एज इट इज, इधर आएगा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x डी एक्स, x इंटू ये कितना आएगा माइनस ऑफ x इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स, y इंटू डी वाई कितना हो जाएगा, y डी वाई माइनस कितना आएगा, y इंटू कॉस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो माइनस टू वाई अपॉन टू, डिनोमिनेटर 2 0 के साथ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर 2 0 के साथ गया, तो x dx, ठीक है, इतना समझ में आ गया फार्मूला सर, उधर प्लस आएगा फार्मूला में ना, यस फार्मूला में प्लस था, राइट, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्लियर हो गया, हम लोग का वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, on integrating both the side, जैसे हम लोगों ने दोनों बाजू इंटीग्रेट किया, जैसे हम लोगों ने दोनों बाजू इंटीग्रेट किया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x into cos 2x dx, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ y into cos 2y dy is equal to 0। आई होप इतना तो मैंने सिखाया आप लोगों, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स पर अपॉन टू, इंटीग्रेशन ऑफ वाई कितना होगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू,
यहाँ पे ली एट लगेगा, यहाँ पे ली एट लगेगा, कर सकते हो सॉल्व, ली एट आ जाए सबको अच्छे से। फिस माइनस आई डी फिस, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बोलो कर सकते हो सॉल्व एवरीवन, आएगा कर रहा है मैंने, चलो सॉल्व करो इसका आंसर होता फाइनली कितना आ रहा है, सॉल्व करके इसका आंसर होता फाइनली कितना आ रहा है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे यू भी लगाओगे, वाई स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे यू भी लगाओगे, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, गेट द आंसर एवरीवन, निकालो सॉल्व करो अच्छे से इसको। सॉल्व करो इसको अच्छे से इंटीग्रेशन में पार्ट्स, डन सर, हो गया, यस यस सर डन, चेक करते हैं आंसर, सो गाइस इसमें पहला पार्ट तो इजी था एकदम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये वाला पार्ट तो इजी था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स में क्लियरली बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट इसका आंसर आएगा एक्स पर अपॉन टू, ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, इधर पे फिस आईडी फिस लगेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, तो एक्स कॉस टू एक्स, घाई करूंगा मैं थोड़ा, आप लोगों को आता ही, ठीक है, थोड़ा घाई करूंगा मैं, तो फर्स्ट विल बी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स का होगा पहला फॉर्मूला होगा x sin 2x upon 2 minus integration of sin 2x upon 2. अब अगर मैंने यहाँ से half को बाहर निकाला और sin 2x का integration मांगा आपसे, कितना होगा वो? Minus cos 2x by 2. Cos हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? Cos 2x by 4. Upon 4 हो जाएगा, ठीक है ना? Cos 2x upon 4. ये हो गया पहले का integration. ठीक है? इतना समझ में आ गया देगा. Now यहाँ पे integration of y कितना आएगा? Y square upon 2. यहाँ पे भी यही लगने वाला है. फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आएगा, cos 2y का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin 2y upon 2, sin 2y upon 2, यहां पे भी प्लस आएगा बीच में, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y 1 sin 2y upon 2, ये जो भी डिनोमिनेटर में 4 आएगा और न्यूमरेटर में आएगा cos 2y, cos 2y plus c is equal to c, चलिएगा, इतना समझ आ गया, यस थ्रू आउट फोर से मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 4 है ना, थ्रू आउट फोर से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x square,
फिर ये वाला टर्म 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, ये हो जाएगा 2y² और ये हो जाएगा 2y². ठीक है, इधर पे भी 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x into sin x, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y into sin y, ये मिलेगा हमको cos 2x और ये मिलेगा cos 2y is equal to c. दिस इज द फाइनल आंसर. देखो आया है समझ. अच्छा ये भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं 4c1 बोल सकता हूँ. ठीक है, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4c1 और बाद में इसको c बोल देंगे. यहाँ पे लिख देंगे वेयर 4c1 इज इक्वल टू c. आंसर देखो राइट है, ये 2x² प्लस 2y² प्लस 2x sin x प्लस 2y sin y प्लस cos 2x प्लस cos 2y इज इक्वल टू c. अंडरस्टूड क्लास? ज्यादा हार्ड नहीं था, इंटीग्रेशन में पार्ट लगाना था. क्लियर हो सबको? ये सबको ये सिखाया इंटीग्रेशन में, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा होपफुली, तभी जाके आपको आंसर आने वाला है. ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन में पार्ट्स आता है तो ही आपको आंसर आएगा. विल मूव टू द नेक्स्ट सम, लिख द स्क्रीनशॉट, शॉर्टकट में सीधा में नहीं. विल मूव टू द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सम नंबर 8, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है y क्यूब माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू x² इंटू dy बाय dx. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. तो dy बाय dx हमको पहले कोलैबोरेट करो, कितना आएगा y क्यूब विल बी आल्सो दिस. इधर पे dy बाय dx को साथ में रखता हूं, माय x² विल बी आल्सो दिस. ये वाला टर्म वहां पे आके dy / dx कॉमन निकला तो कितना बचेगा, प्लस 1. तो y क्यूब इज इक्वल टू x² प्लस 1 dy / dx. वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dx इधर आएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन x² यहां पे आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x² यहां पे आएगा अपॉन dx, और ये y क्यूब वहां पे जाएगा तो 1 अपॉन y क्यूब dy हो गया वेरिएबल सेपरेबल. अब वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद एक ही काम आता है हमको, क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. पहला पार्ट तो मेरे को पहला ही दिख रहा है, सेकंड पार्ट को तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा. ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² dx और हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y क्यूब dy. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए अच्छे से. इसका इंटीग्रेशन कितना है, tan इनवर्स ऑफ x ऑफ x, और ये y इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y क्यूब को मैं y रेस्ट टू माइनस 3 लिख सकता हूं चाहिए तो, आपको पता ही होना चाहिए. हो जाएगा मेरा y raise to minus 3 dy. Now y raise to minus 3 dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y raise to minus 2 upon minus 2, x raise to n का इंटीग्रेशन, x raise to n plus 1 upon n plus 1, तो y raise to minus 2 upon minus 2, इधर हम लोग प्लस c1 लिख देंगे. ये स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको, थ्रू आउट इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 tan inverse of x, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस वाई रेस टू माइनस टू को मैं 1 अपॉन y स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा मेरा 2c1. क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से. ठीक है, अब कैसे सॉल्व इसको आगे, ये हो जाएगा मेरा 2 tan inverse of x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 1 प्लस 2c1 डिवाइड बाय y स्क्वायर. ठीक है, तो ये y स्क्वायर को मैं यहाँ पे भी भेज सकता था, ये y स्क्वायर यहाँ पे भी आ सकता था. ठीक है, और ये y स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y स्क्वायर हो गया. ठीक है, देखो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा, 2y स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस 1, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं cy² ब्रैकेट में बोल दूंगा कि जहाँ पे c का वैल्यू कितना है, माइनस 2c1, c का वैल्यू कितना है, 2c1. समझे को समझ में आएगा अच्छे से, देख के लेकर जाके यहाँ से y स्क्वायर को हटाया, एलसीएम यूज किया, इसको भी y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो 2y² इनटू tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2c1y², तो 2c1 की जगह पे c लिखा है मैंने, लेट्स c इज इक्वल टू c1. समझ में आया, अंडरस्टूड क्लास, अंडरस्टूड समझा? यस सर. यस, चलो 9 समझाते हैं, पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं.
Let us move to question number 9. So question number 9 कितना दिया है? Question number 9 में दिया हम लोग को again exponential form. 2 times of e raised to x plus 2y. आपने देखा रहेगा कि थर्ड चैप्टर से आगे के सब चैप्टर्स लिंक्ड हैं. इंटीग्रेशन, देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट, देन उसके बाद डिफरेंशियल, ये सब चैप्टर एक ही टॉपिक पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन पर. जितने अच्छे से आपका थर्ड चैप्टर हुआ रहेगा उतने अच्छे से आपको आगे हेल्प मिलेगा हर चैप्टर में. सो 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू x प्लस 2y dx माइनस 3dy इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है. तो पहले हम लोगों को इसको ब्रेक करना है, तो हम लोग इसको फॉर्मुला में चेंज करना होगा, इंडेक्स लगाना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू x इनटू e रेज़ टू 2y dx माइनस 3dy इज इक्वल टू 0. ये मेरा क्वेश्चन हो गया. 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू x इनटू e रेज़ टू 2y dx माइनस 3dy इज इक्वल टू 0. वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, x को x की तरफ, y को y की तरफ. तो ये तो मेरा x की तरफ ही है. ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू x dx माइनस 3, ये e रेज़ टू 2y नीचे आएगा, e रेज़ टू 2y dy, और यहाँ पे हो जाएगा 0. क्लियर हुआ? इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको दोनों बाजू से. वेरिएबल सेपरेबल में इंटीग्रेट करना इजी है. सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया, 2 कांस्टेंट निकल गया बाहर, ये हो जाएगा e रेज़ टू x dx, ठीक है. माइनस 3 बाहर निकल गया, e रेज़ टू 2y अगर न्यूमरेटर में जाता है तो क्या बन जाएगा, e रेज़ टू माइनस 2y dy, और यहाँ पे 0 की जगह क्या आएगा, c1, समझा. तो आगे चलते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा e रेज़ टू x, ठीक है. माइनस 3 विल बी एज इट इज, e रेज़ टू माइनस 2y का इंटीग्रेशन कितना होगा, e रेज़ टू माइनस 2y अपॉन माइनस 2, और ये कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा c1. ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये, 4 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू x माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू माइनस 2y इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 2c1, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये माइनस ही माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है. फाइनली आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू x प्लस 3 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू माइनस 2y इज इक्वल टू c, ब्रैकेट में बोल देंगे वेयर 2c1 इज एक्चुअली इक्वल टू c. देख लो, समझा सर, अच्छे से देख के लो एक बार, क्लियर है क्लास, अंडरस्टूड, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 9. चलो अगला सम आप लोग ट्राई करो, टेंथ सम, गिव अ ट्राई. टेंथ सम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है dy by dx, इंडाइसेस लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी. तो dy by dx इज इक्वल टू क्या दिया है, e रेज टू x प्लस y प्लस x स्क्वायर e रेज टू y. क्या करोगे क्लास, यहाँ पे e रेज टू x प्लस y को तोड़ोगे, फिर इसको e रेज टू y कॉमन निकालोगे, वेरिएबल सेपरेबल करोगे और आंसर निकालोगे. चलो कोशिश करो, देखो आंसर आता है क्या, गिव अ ट्राई टू गेट द आंसर. इंडाइसेस लगाओ, ब्रेक करो उसको, इंडेक्सेस लगा के ब्रेक करो, देखो आता है क्या आंसर. dy by dx is equal to e raised to x plus y plus x square e raised to y. e raised to x plus y plus x square e raised to y. Done sir. कितना आएगा, dy by dx is equal to e raised to y कॉमन निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे, e raised to x plus x square. इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड,
ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन। ठीक है, इधर क्या करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये न्यूमरेटर में रहेगा ना। हाँ सर, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, और x square का integration कितना होगा x cube upon 3 plus c, simplify कर लो आगे 3 से multiply कर लो minus हटा दो आपको ऊपर है, समझ में आ गया नहीं पक्का throughout मैंने 3 से multiply किया कितना हो जाएगा ये 3 e raised to minus y, minus 3 वहाँ पे plus हो जाएगा, so 3 times of e raised to x plus 3 times of e raised to minus y plus x cube ये minus 3 c उनको मैं c लिख दूँगा, देखिए ऐसा आएगा नहीं c is equal to minus 3 cm, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा minus 3 cm, अंडरस्टूड क्लास समझा, देख लो। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ मेरा ऐसे ही सर, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था जनरल सॉल्यूशन, मतलब हमारा आंसर c के फॉर्म में आएगा, जब c के फॉर्म में जब भी कुछ भी आंसर आता है उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जब आंसर c के फॉर्म में नहीं आता, जब हम लोग c को हटा देते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको मैं बता दूं, ax plus by is equal to c, ये लीनियर इक्वेशन है, सो ax plus by is equal to c, ये लीनियर इक्वेशन है, राइट, x plus y is equal to c, ये भी लीनियर इक्वेशन है, c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है, बट अगर c के जगह कुछ आ गया x plus y is equal to 2, x plus y is equal to 3, x plus y is equal to 10, x plus y is equal to 100, तो ये जो मिल रहा है x plus y is equal to 200, तो x plus y is equal to जो भी मिल रहा है c का जो वैल्यू आ जाता है तो वो बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वहां पे भी वेरिएबल सेपरेबल करना है, बट वहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब c को गायब करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, c को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, तो है सेम सम ही, बट आगे दो स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, c का वैल्यू निकाल के उसको पुट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कन्वर्ट अ जनरल सॉल्यूशन इनटू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कैसा सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का वेरी फर्स्ट सम, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 3 टाइम्स ऑफ e रेस टू x, 3 टाइम्स ऑफ e रेस टू x tan y dx, 3 टाइम्स ऑफ e रेस टू x tan y dx प्लस 1 प्लस e रेस टू x इनटू sec स्क्वायर y dy इनटू sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मेंशन किया गया है कि जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू पाई रहेगा, जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू कितना रहेगा, पाई रहेगा, when x is 0 y is equal to pi, ठीक है, क्लियर है, तो ये जो क्या अगर ये क्या काम करेगा, ये आपके जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सम, समझते हैं तुमको अच्छे से, ध्यान देना, पहला वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम लोग, तो dx का x टर्म साथ में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ e रेस टू x डिवाइड बाय 1 प्लस e रेस टू x dx प्लस ये न्यूमरेटर में 3 कितना आएगा sec स्क्वायर y डिवाइड बाय tan y dy इज इक्वल टू 0, हो गया वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेट किया तो ये कितना मिलेगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है 3 को बाहर निकाल दिया, तो चलो पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कितना आएगा ये 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x डिवाइड बाय 1 प्लस e रेस टू x dx, यहां पे कितना आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y डिवाइड बाय tan y dy, और यहां पे आ जाएगा c, c बोलो या c1 बोलो आपके ऊपर है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा गाइस, इधर आ गया 3, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या आएगा आंसर, लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है, लॉग ऑफ फंक्शन, इधर क्या आ गया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या आएगा लॉग ऑफ टैन वाई, और इसको सी वन बोलेंगे क्योंकि ये भी लॉग ऑफ सी वन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लॉग ऑफ सी, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग कि वेयर सी वन इज लॉग ऑफ, ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तीनों लॉग कैंसिल हो जाएगा, बट आंसर तभी होगा जब ये 3 पावर में जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा
log of a plus log of b is log of ab, तो कितना आएगा 1 plus e raised to x का whole cube into tan y is equal to log c. समझ में आ गया? log log cancel हो गया, यहाँ पे log of ab का formula लगाया मैंने, log a plus log b, इसको power में भेजा पहले, so log of 1 plus e raised to x the whole cube into tan y is equal to log c, log log get cancelled, क्या बचेगा आंसर, 1 plus e raised to x का whole cube into tan y is equal to c. equation आ चुका है, variable separable हो गया हमारा, answer भी आ चुका है. अब यहाँ पे c का value define करना होगा, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको particular solution चाहिए. हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोलेंगे कि जब x का वैल्यू जीरो था तो y का वैल्यू कितना था, पाई. व्हेन x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू कितना था, व्हेन x इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू पाई. क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस e रेज टू जीरो का होल क्यूब इंटू टैन पाई इज इक्वल टू सी. तो e रेज टू जीरो 1 ही होता है, इंटू टैन पाई, टैन 180 जीरो होता है, तो अल्टीमेटली पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर कुछ भी आए tan pi तो जीरो है, tan 180 जीरो होता है, वी ऑल नो दैट. तो c कितना मिला मेरे को, जीरो मिला, सो देयरफॉर वी कैन से दैट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, हां c जीरो मिल गया. तो ये जनरल सॉल्यूशन था, अब इस जनरल सॉल्यूशन को अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है तो c का वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा. क्लियरली बोल देंगे यहां पे द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, क्या आएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज 1 plus e raised to x का होल क्यूब इंटू टैन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर आएगा. 1 प्लस e रेज टू एक्स का होल क्यूब इंटू टैन वाई इज इक्वल टू जीरो. समझा क्लास, देख लो जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना था, तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ तक खत्म हो गया था. जब सी का वैल्यू मिल जाएगा, जब सी का वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा. आई होप कि लोगों को समझ में आया, इनको अच्छे से इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, क्लियर, एवरीवन अंडरस्टूड, समझा सबको, यस, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट से बराबर, फिर सीधा नेक्स्ट सम ट्राई करो, सेकंड सम मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, गिव अ ट्राई. सम नंबर सेकंड क्वेश्चन का दिया है, क्वेश्चन दिया है x माइनस y स्क्वायर x dx माइनस y प्लस x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू जीरो. यहां पे क्लियरली बोलेंगे व्हेन y, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू जीरो. चलो सॉल्व करो, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है, सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट ओपन करो, वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, आंसर निकालो. x minus y square x dx minus y plus x square y dy is equal to 0. Solve करो और variable separable लगाओ. When x equal to 2, y is equal to 0. Variable separable आने के बाद जब general equation आ जाएगा, तो इसको particular solution में convert करना है. By putting the value of x as 2 and y equal to 0, you will get the value of c. तो c को put करके solve करना है. 5 आएगा c. C कितना आएगा? 5. Done sir. Sir root 5 है c. मेरे को पता नहीं, मेरे को solve करना पड़ेगा. सर 5 आया.
सेकंड टर्म है ना, एकदम पहले मल्टीप्लाई करो वेरिएबल सेपरेबल करो, आंसर क्या आता है? आंसर पूरा आंसर मिला कि सिर्फ सी मिला? सर पूरा मिला, 1 plus x square multiplied by 1 minus y square is equals to 5. Yes, sir. Check करते हैं, देखते क्या है. So x minus y square x dx minus y plus x square y dy is equal to 0. पहले क्या करेंगे इसको? X comma y. X dx. X common ले लो. हाँ बाद में भी लेना ही पड़ेगा, better है. तो x common लिया तो कितना बचेगा? 1 minus y square x dx. इधर y common लिया कितना बचेगा? 1 plus x square dy which is equal to 0. ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, x अपने जगह पे, ये हो जाएगा 1 plus x square dx. ये minus y को वहां लेके जाते हैं तो उधर जाके कितना का plus y, तो y अपने जगह पे हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. ठीक है, हो गया वेरिएबल सेपरेबल. ठीक है, अगर बीच में माइनस रख रहे हो तो यहाँ पे जीरो रहेगा ही. ठीक है, क्या हो जाएगा अभी आगे? बैलेंसिंग करेंगे. कैसे करेंगे बैलेंसिंग? इधर टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर जीरो हो जाएगा, जीरो को टू से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग टू और बाय टू, टू और टू से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x upon 1 plus x square dx plus minus of 2y, जब minus 2y रखते हैं, upon 1 minus y square dy, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा c. c बोलो या c1 बोलो, आपका चॉइस है. ठीक है, c1 बोलते हैं क्योंकि log में आने वाला आंसर है. नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव कितना आएगा? log of mod of 1 plus x square plus नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव कितना आएगा? log of mod of 1 minus x square. और ये कितना आएगा? ये हो जाएगा log of c. log of c का वैल्यू अभी कितना होगा? c1. log of c का वैल्यू कितना होगा? c1. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. नाउ आगे सॉल्व करते हैं इसको. ये भी log टू और log से कैंसिल कर देंगे हम लोग. क्या आ जाएगा हमारा आंसर? मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा log of mod of 1 plus x square into 1 minus y square is equal to log of c. log log बैलेंस हो गया, कितना आएगा आंसर? 1 plus x square into 1 minus y square is equal to c. यह आएगा मेरा general solution. 1 plus x square into 1 minus y square is equal to c. यह हो गया मेरा general solution. अब मेरे को यहाँ पे x c निकालना है. When x is equal to 2, y is equal to 0. क्या बन जाएगा ये? यह हो जाएगा 1 plus 4, 1 minus 0 is equal to c. तो c का value आएगा 5. तो c का value 5 आएगा. Clear है? Now, once you get the value of C as 5, use करेंगे हम लोग यहाँ पे particular solution. The particular solution is, क्या आएगा particular solution? 1 plus x square, दूसरा 1 minus y square is equal to 5. This is the particular solution. 1 plus x square into 1 minus y square is equal to 5. समझ सको ये? Understood? Yes. Clear? अगला सम थर्ड सम आप लोग ट्राई कर लेना खुद से. थर्ड सम खुद से ट्राई कर लो, सेम सम है. हाँ ठीक है, फोर्थ सम भी मेरे को लगता है इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, फोर्थ सम भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कवर कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 वाले सम आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो. ठीक है, देख लो अच्छी समझ में आया कि आजकल एक्चुअल जो भी सीखा है वो. ठीक है, एक लास्ट सम है इसमें सिक्स्थ वाला, ये थोड़ा अलग टाइप का सम है जिसको मैं सिखाऊंगा सिक्स्थ वाला. थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करना, नहीं आया तो नेक्स्ट टेस्ट में पूछ लेना. ठीक है, विल मूव टू सम नंबर 6. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ मैं सीखाऊँ. सम नंबर 6 फेवरेट सम है, ये बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, ध्यान देना. क्वेश्चन क्या दिया है सम नंबर 6 में? क्वेश्चन दिया है कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए. ठीक है, कंडीशन दिया है यहाँ पे y of 0 is equal to 2. Guys, इसका मतलब क्या होता है y of 0 is equal to 2? इसका मतलब होता है जब input 0 रहेगा तो output 2 रहेगा. मतलब when x का value 0 रहेगा, when input 0 रहेगा तो input कौन है यहाँ पे? x. जब x 0 रहेगा तो y कितना रहेगा? y रहेगा 2. तो when input 0 रहेगा तो y कितना रहेगा? 2. ठीक है, तो y of 0 is equal to 2, when input is 0 output is 2. ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, वहां पे कितना आएगा कॉस इनवर्स ऑफ ए, कॉन्स्टेंट हो गया ना, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए, वेरिएबल सेपरेबल, सो डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड आई कर रहा हूँ एक स्टेप समझा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई कितना होता है वाई, ये कितना हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स ऑफ ए dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x और ये हो जाएगा प्लस c, समझा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, मेरा फाइनल आंसर आएगा y is equal to x into cos inverse of a plus c, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के बाद हमको क्या बोला है, हमको बोला है y of 0 is equal to 2, इसका मतलब y of 0 equal to, इसका मतलब when input is 0, when x is 0 y is equal to 2, यही था ना, तो put करो तो y 2 हो जाएगा, x हो जाएगा 0, तो 0 के साथ जब गायब हो जाएगा plus c, तो c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू 2 आएगा, so once you got the value of c as 2 तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, therefore we can say that the particular solution is क्या रहेगा, y is equal to the particular सॉल्यूशन इज क्या आएगा, y is equal to क्या हो जाएगा ये x into cos inverse of a plus 2, this is the final answer, समझ में आया, देख लो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और भी अच्छे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको और अच्छे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को इधर लाया था कितना आएगा, 2 यहाँ पे आया था कितना आएगा, y minus 2 is equal to x times of cos inverse of a, x नीचे आएगा तो y minus 2 upon x is equal to cos inverse of a, cos inverse यहाँ पे आएगा कितना आएगा, cos of y minus 2 upon x is equal to a, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, cos of y minus 2 upon x is equal to a, एक बार देख के लो समझ, होपफुली समझ में आ रहेगा, समझाए क्लास, देख लो अच्छे से, क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आज के लेक्चर में कवर किया और दोनों टॉपिक बेस्ड था हमारा इसके ऊपर, वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना था और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, होप कि आपको समझ में आ रहेगा, होमवर्क में यही करोगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है, सबको समझा आज का लेक्चर, एवरीवन अंडरस्टूड, ठीक है, चलिए आपका रिप्लाई आ चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, थैंक यू।